यार इस ट्रैफिक में फिर फंस गए। ये ट्रैफिक खुलेगा भी या नहीं यार, मुझे जल्दी जाना था। क्या होगा, कितने देर में पहुंचेंगे यार हम लोग? चलो हम वीडियो पॉज करते हैं और आगे दिखाते हैं। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हो मैटोनी यूट्यूब और यूट्यूब चैनल। इस ट्रैफिक की वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो फिलहाल थोड़ा रुकते हैं और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक है चुंगी पे। एंड आज मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी बढ़िया निकली है, तो इसी वजह से हम लोग चल रहे हैं बस मंदिर। और आप एक नया ब्लॉग देखेंगे आज, और कैसा लगता है आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये आप देख सकते हैं रास्ता इलाहाबाद से बहराना चौराहे की साइड से आता हुआ है रास्ता, मंदिर की साइड जाता है। और आगे थोड़ा बस व्यू देख सकते हैं आप नैनी ब्रिज का, साइड से दिख रहा हो कैमरे में, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है इलाहाबाद का नैनी ब्रिज। एंड ये आगे से नज़ारा है, इस रूट के थ्रू आप जा सकते हैं यहाँ से जो सीधा नैनी ब्रिज की ओर जाता है। बट हम अभी चल रहे हैं मनखामेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स, आप जो रोड के लेफ्ट साइड देख रहे हैं पूरी बाउंड्री वॉल, ये मिलिट्री एरिया है जो कि इस रोड के बगल से ही है, और इसके पास में ही है आगे मनखामेश्वर मंदिर। तो हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, आपको आगे थोड़ी सी दुकानें दिख रही होंगी और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, और आगे बोर्ड है सीधा सा। तो हम मंदिर पहुँच के बाइक खड़ी करते हैं और ये बगल में दुकानें और यहाँ पर बोर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एंट्री करते हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ ये घंटी घंटा बजाते हुए यहाँ दर्शन करने चलते हैं मंदिर के। और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये मंदिर इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद फ़िलहाल अभी प्रयागराज हो गया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ाना ऐसे ही श्रद्धालु आते रहते हैं। एंड ये कुछ ऐसा परिसर है यहाँ का, और डेली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। हाँ, यहाँ पे ये कुछ हमारे यहाँ मंदिर की मेन मूर्ति यही है, तो यहाँ पे लोग अपनी यहाँ पे पूजा करते हुए हैं श्रद्धालु। एंड और दिखाते हैं आपको, ये शिवलिंग्स यहाँ पे पैर छूते हैं सबके, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। यहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हम नीचे से कहाँ से चलेंगे, उधर साइड से जाएंगे, वो है सीढ़ी की। ये है मनखामेश्वर भगवान, जो ये और यहाँ पे, और इसके जस्ट बगल में है ऋण मुक्तेश्वर भगवान की शिवलिंग, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। एंड ये सिद्धेश्वर भगवान है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा दर्शन हम आपको करा रहे हैं, आप देख सकते हैं सारा। रुक जाओ, और ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। एंड उसके ही जस्ट बगल में है श्री ललिता मनखामेश्वरी देवी का मंदिर, आप देख सकते हैं। तो ये सारे मंदिर्स यहाँ मनखामेश्वर में आपको
मिलते हैं जिनके आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरा मंदिर का परिसर है एंड यहाँ पे एक घाट भी है जो आपको हम नीचे चल के दिखाते हैं। देखिए काफ़ी लोग आते जा रहे हैं और ऐसी रेड डेली भीड़ होती रहती है। मंदिर के जस्ट नीचे से ही ये घाट के लिए एक रास्ता गया है जो सरस्वती घाट बोलते हैं इसको। एंड ये सीढ़ियाँ जाती हैं सीधा नीचे की ओर एंड काफ़ी अच्छा जो व्यू आ रहा है तो आप देख सकते हैं। एंड ये है इलाहाबाद की जो संगम है, नदियाँ हैं तीनों, यहाँ से आप देख सकते हैं। इधर ग्रीन है, उधर वाइट है, गंगा जी का वाइट। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का यहाँ संगम है। यहाँ पे स्नान करने से मुक्ति मिलती है ऐसा मानना है लोगों का। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर से एक बार स्नान करिए या कुंभ नहाने ज़रूर आइए। तो यहाँ पे बोट भी है, अगर आप इससे सफ़र करना चाहें या फिर घूमना चाहें आप घूम सकते हैं। इसके बगल में जो आपको दिख रहा है कि नैनी ब्रिज है। उधर का पानी, उस पुल के पास का पानी देखो, वो गंगा जी का है सफेद, उधर साइड। अभी वो एरिया में हम लोग वहाँ से आएंगे। कहाँ से? वहाँ से भी रास्ता था जिधर से हम राइट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से सरस्वती घाट से दिखता है नैनी ब्रिज का नज़ारा, जो कि आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। और ये यमुना और गंगा एंड सरस्वती जी का जो पानी है काफ़ी निर्मल है और नज़ारा शानदार है, आप देख सकते हैं। फिर से हम मंदिर की साइड जाते हुए, हमने घाट देख लिया है और काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है मंदिर पे। गन्नू है जो काफ़ी स्पीड से निकल रहा है यार, रेगुलर ऐसी भीड़ होती रहती है। अब कभी भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। यार गन्नू ने बिस्किट डाला कुत्ते को, बट इन कुत्तों के भाव बढ़ गए हैं, इन कुत्तों ने बिस्किट नहीं खाया यार, मुझे क्यों उसको खिला देंगे? आपको ही खिला दे। उसने खाया कहाँ, और कुत्ते हैं नहीं यहाँ पे, नहीं है। फिर से उसको खिलाने जा रहा है गन्नू। यार उसने काले वाले तो खाया ही नहीं बिल्कुल, क्या फायदा फिर। एंड ये मंदिर के बाहर का जो नज़ारा है काफी ज्यादा शानदार है, सुंदर है, काफी पीसफुल है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली है। ये जनवरी का नज़ारा है और काफ़ी अच्छे पेड़ों से ये जो मिलिट्री का एरिया है जो भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो इसके बाद हम लोग चल रहे हैं मेले में और दिखाते हैं आपको आगे चल के कुछ मेले के नज़ारे। मैं किसी भी कुत्ते को छूता हूँ, कुत्ता कुछ करता ही नहीं है मुझे। यार यहाँ से नैनी ब्रिज के नीचे का नज़ारा है और हम लोग चल रहे हैं ऊपर, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं रोड के बगल से ही, और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर। गन्नू ऊपर पहुँच गया है, ठीक है। और यहाँ से अब पानी का पैरामीटर नापने के लिए बनाया गया है। एंड हम लोग ऊपर से दिखाते हैं आपको नज़ारा। गाइस यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पुल पर जरूर आइएगा। हाँ, अगर आप यहाँ मन कामेश्वर आते हैं तो आप पुल का नज़ारा ज़रूर देखना मत भूलिए। टाइम, हाँ हाँ
गन्नू हाथ पकड़ लो, मम्मी ने बोला है बेटा। और हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। आप पुल पे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो आप टूट जाएंगे। नाटे का जोश चढ़ा। और ये काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का। ये नैनी ब्रिज है, न्यू नैनी ब्रिज बोलते हैं इसको, जो मैं पहली बार आया हूँ और काफ़ी शानदार लग रहा है। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, कड़क है, धूप भी निकली है, तो यहाँ आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पानी भी भरता है तो नीचे चला जाता है, गिर के। हाँ, यहाँ पे पानी भरता है तो वहाँ पे नीचे चला जाता है। ओके, पानी भरता है नीचे चला जाता है, मतलब यहाँ पे रोडों पे पानी भरता है, बारिश होती है। हाँ, जो पानी भरता है यहाँ पे रोड पे पानी भरता है वो नीचे चला जाता है। हाँ, वो ड्रेन। गन्नू कहना चाह रहा है कि जो बारिश होती है, जो रोडों पे पानी गिरता है ये ब्रिज के ऊपर, वो ड्रेन होके नीचे चला जाता है, तो ये कहना चाह रहा है ये। एंड ये नैनी की ओर जाता है ब्रिज और लौट के फिर इलाहाबाद की ओर आता है। अब देख सकते हैं, आप इस पे चढ़े। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। एंड आप देख सकते हैं है। इसके ऊपर बगल से चढ़ेंगे शायद से, बगल से चढ़ेंगे, बगल से। यहाँ पे लाइटिंग का शो भी होता है शायद से, नाइट के टाइम पे आप अगर आते हैं यहाँ पे तो शायद से आपको लाइटिंग भी इधर देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़ारा होता है नाइट के टाइम का, और आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और ऊपर से जो एरिया है यहाँ का, काफ़ी गजब है, काफ़ी वंडरफुल है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर एक लाइटिंग शो भी होता है, यहाँ पे लाइटिंग शो भी होता है, गन्नू बता रहा है। एक पुल पे भी और हम लोग की यहाँ बात की रोड पे भी। अच्छा, उस पे बहुत भीड़ रहती है और आराम से बहुत धक्का मुक्की होती है। गन्नू यहाँ से अगर, भाई यार काफ़ी डरावना भी है एंड काफ़ी शानदार भी, तो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं और आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। और वो साइड से रेलवे ब्रिज है, जो ट्रेन्स वहाँ से अप डाउन करती हैं। एंड ये जो पुल है ये नया बना है और बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए हम लोग चलते हैं वापस, और यहाँ पे कभी अगर नाइट में आते हैं तो आपको नाइट का नज़ारा भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होता है। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, लाइट काफ़ी ज़्यादा शानदार है यहाँ की, जो आप देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग के लिए लाइट्स लगाई गई हैं और काफ़ी अच्छा है। और आगे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि पूरे में ऐसा ही है सारा कुछ, देख सकते हैं। बट अब हम लोग चलते हैं दूसरी अपनी डेस्टिनेशन की साइड और आगे दिखाते हैं आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्त, आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आगे कंटिन्यू ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप प्रयागराज से हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।